फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। यहाँ पे देखिए, मेरी ये प्लास्टिक उतारी जा रही है और नई प्लास्टिक लगेगी जिसको मैंने यहाँ पे सिल लिया है। और ये मैंने घर पे ही सिला था, इस पर पट्टी वगैरह लगाया है सिलाई मशीन से। और यहाँ पे ये लग रही है, तो आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड इसको लगा रहे हैं हुक से। तो ये वाइट कलर की प्लास्टिक है। तो ये देखिए, लग गई मेरी प्लास्टिक और लाइट भी लगी हुई है। तो ये देखिए, लग गई। अब इससे ट्रांसपेरेंट है तो आंगन का भी व्यू दिखेगा और अंदर का भी। कोई आंगन में रहेगा तो आंगन में, बाहर रहेगा अंदर, रूम में रहेगा तो रूम में। तो ये है सारी चीजें। और कल करवा चौथ है तो आज मेरी लाइट भी लग गई है, लाइटिंग डेकोरेशन हो गया थोड़ा बहुत। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। 4 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में मैंने सर्गी के रूप में फल वगैरह नहीं लिया क्योंकि ठंडी लग रही है। आप लोग देखें, कैप मैंने लगाया, इनर पहना हुआ है, तो मैं मुझे ठंडी लग रही थी। फल वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया, तो मैंने खा लिया है मिठाई और पानी भी पी लिया है। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि 3 बजे मेरी डॉटर सोई है। उसके बाद काम समेटने के चक्कर में आधा घंटा हो गया, और तो अब मैं चल रही हूँ मेहंदी लगाने। तो मैंने मेहंदी लगा लिया है, आगे पीछे दोनों लगा लिया है, जैसे भी आता है वैसे ही। हम 6 बजे हैं, मैं थोड़ा सा लेटूंगी, रात भर जागी हूँ। तो सुबह 7:30 बजे उठकर खाना वगैरह मैंने अपने डॉक्टर को खिलाकर, मेडिसिन भी पिलाकर और थाली डेकोरेशन में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी थाली डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट पेपर लगाया था और उसके बाद मैं चारों तरफ से लैस लगा रही हूँ हॉट ग्लू गन से। तो आप देख सकते हो, क्योंकि मेरी थाली मार्केट से सजी हुई नहीं थी, तो मुझे इस बार मुझे अपनी थाली डेकोरेशन करनी थी, तो मैंने अपने खुद से ही अपनी थाली डेकोरेशन की। और मेरी डॉटर भी है, वो मोबाइल देख रही है अपने पापा की। और यहाँ पे देखिए, मैं अपनी थाली में स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ, जो कि ये शुभ माना जाता है। तो मैंने उसी वजह से मैंने इसे स्वास्तिक को ही बनाया है। और इसको चारों तरफ से मैं थाली को इसी कलर से डेकोरेशन कर रही हूँ, पेंट से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और इसे मुझे और भी डेकोरेशन करना है। तो इसे बीच बीच में मैंने डार्क दे दिया है। बहुत इजी और सिंपल सा है डेकोरेशन, और काफ़ी अच्छा खिल रहा है। और इसे मैं चारों तरफ से स्टोन से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से डेकोरेशन हुआ है। मैंने स्वास्तिक को पूरा स्टोन से, छोटे छोटे मैंने मार्केट से मंगाया था स्टोन 3 कलर में, तो सबको मिला के मैंने डेकोरेशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो पास से कितना अच्छा लग रहा है। अभी ताज़ा ताज़ा है, तो थोड़ा अभी खिल नहीं रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से मुझे अपनी ये चालन भी डेकोरेशन करनी थी, और मैंने चालन को भी वेलवेट पेपर से डेकोरेशन कर दिया है लेस वगैरह लगा के। और इसको भी स्टोन से मैंने डेकोरेशन कर दिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर येलो कलर का उसी से मैचिंग करता हुआ डिजाइन बनाऊंगी, जो कि बन चुकी है, आप देख सकते हो। तो मेरी थाली और चालन कंप्लीट हो गई है, और इसे मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ये हवा से, और इसके बाद मुझे ये करवा अपना डेकोरेशन करना है। तो उसके लिए मैंने ये लिया है वाटर कलर, और ये ब्रश ले लिया है जिससे मैं उस रेड कलर से पेंट कर दी हूँ।
तो सारी चीज़ें एक ही जैसी मैचिंग मैंने किया है, तो आप देख सकते हो पूरा मेरा सेट तैयार हो गया है करवा चौथ का। और यहाँ पे उसके बाद मैं शाम को पूजा में लग गई, यहाँ 7:30 बजे तैयार वगैरह होके, तो यहाँ पे मैं कथा वगैरह पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी बाबू की मेडिसिन भी पिला रही हूँ, क्योंकि 8 बजे इसकी मेडिसिन, 7 बजे से इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है हर एक घंटे में, तो ये भी ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो पूजा भी करनी है और अपने डॉटर को भी देखनी है, क्योंकि और पूजा के चक्कर में मैं अपनी बाबू की मेडिसिन को नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी डॉटर के लिए मैं ये मेडिसिन संजीवनी का काम करती है, और समय समय पे मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से मुझे पूजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी डॉटर है, तो इसलिए मैं अपनी दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूँ। तो इसमें मेडिसिन मैं भूल नहीं सकती, तो यहाँ मेडिसिन भी पिलाने का काम कर रही हूँ। तो इसकी मेडिसिन 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 1 7 बजे पिलानी रहती है, और 1 8 बजे, 1 9 बजे, 1 10 बजे और 1 11 बजे। तो इस बीच में मुझे अपना पूजा वगैरह का काम भी निपटाना समय से रहता है, और मेडिसिन भी पिलानी है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी काम करना पड़ रहा है इस करवा चौथ में, क्योंकि मेडिसिन एक भी दिन मिस नहीं कर सकती और टाइम से पिलानी है। तो डॉक्टर ने अपनी टाइम शेड्यूल से बनाया है इन सारी मेडिसिन को, तो उस हिसाब से मुझे मेडिसिन देनी ही पड़ती है। तो इसी सब चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है इस पूजा में, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा काम हो गया है धीरे धीरे। और इसके बाद अभी पूजा और करनी है, मेडिसिन पीना, मेडिसिन पीना। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी पूजा का स्थल को बनाया था, अपनी पूजा जहाँ पूजा करती हूँ उसी के नीचे मैंने अपने इस पूजा के स्थान को बनाया था। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से पूजा वगैरह किया है अभी। तो और यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी सजा ली है, क्योंकि अब चांद निकलने वाले हैं, आधा निकल गए हैं, तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ अपनी थाली को लेकर। थाली
चौथ की बहुत बहुत बधाई। और करवा चौथ खत्म हो गया, रात को बज गए 10:30 और हम लोग ने सारा पूजा पाठ कर लिया। अब हम जा रहे हैं, खाना खाने। और आज मेरे हस्बैंड ने पूरा टोटली खाना बनाया है। और खाने में क्या क्या बनाया है, तो चावल, पूरी और पनीर बनाया है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या कैसा बना है बैक कैमरा से। तो ये सारा खाना आ चुका है। तो क्या बनाया है, ये है पनीर, देखिए बना है पनीर। और ये है पूरी। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, पेट में चूहा कूद रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।